हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं फिलोरा वी ड्राई सिरप के बारे में। दोस्तों, फिलोरा वी ड्राई सिरप के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इस फिलोरा वी ड्राई सिरप को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, फिलोरा वी ड्राई सिरप की बात करें तो इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड बेसिलस है और विटामिन B6 है, निकोटिनामाइड है, फोलिक एसिड है, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 58 रुपीज़ में ये फ्लोरा बीसी ड्राई सिरप आता है। दोस्तों, बात करते हैं फ्लोरा बीसी सिरप को बच्चों में कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है। दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं तो लूज़ मोशन के दौरान दोस्तों इस लैक्टिक एसिड बेसिलस सिरप को डॉक्टर के द्वारा बच्चों में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि जिन बच्चों को खाना नहीं पचता है, उन्हें बार बार लूज़ मोशन होते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या काम करता है दोस्तों, यदि किसी बच्चे को एंटीबायोटिक मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है खाना पचाने के लिए, तो वो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मर जाते हैं। तो उन खाना पचाने के जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है, जिससे कि जो बच्चे का जो खाना है प्रॉपर तरीके से पच पाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये पेट में अपच रहने में काम करता है, यदि बच्चों के पेट में अपच रहती है तो उस कंडीशन में काम करता है। पेट फूलने की समस्या रहती है बच्चों पे, उस कंडीशन में काम करता है। कोलाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, यदि किसी बच्चे को कोलाइटिस की समस्या हो जाती है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, इसके फ्लोरा बीसी जो ड्राई सिरप को जो मेन मेन फायदे हैं, वो इधर मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इसको बनाते कैसे हैं। दोस्तों, ये जो होता है, देखते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ड्राई पाउडर फॉर्म में है ये। अब इसको हमें बनाना कैसे है दोस्तों, इसमें जो एक मार्किंग दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये मार्किंग है। इसके साथ कोई स्टराइल वाटर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, अपना ही घर का जो नॉर्मल वाटर है, उसको आपको खूब अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लेना है और यहाँ जो मार्किंग दी है, यहाँ तक इसको फिल कर लेना है और इस बोतल को अच्छे से हिला लेना है। आपका जो फ्लोरा वीसी ड्राई सिरप है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं बच्चों को कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है। दोस्तों, 1 साल से ऊपर का जो बच्चा है, उसको 5-5 चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतली उल्टी हो सकती है, बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लोरा वीसी ड्राई सिरप का अपने बच्चे को देते हैं, अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही दें, अननेसेसरी इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।